नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी आतंक मचाया। लाखों की तादाद में लोग इससे संक्रमित हुए और हजारों की तादाद में लोग मौत के आगोश में चले गए। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोगों को तड़पते हुए मरते देखा गया। इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार व एक्सपर्ट्स द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है। अगर इस वक्त मैं बात करूं, इंडोनेशिया ने ब्राजील को कोरोना मामलों में पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत पूरे विश्व भर में कोरोना मामले में चौथे नंबर है। ऐसे में अब कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, जो कि बच्चों के लिए बेहद ही घातक सिद्ध बताई जा रही है। अब अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस जहां लगातार एक्सपर्ट द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, वहीं सरकार ने स्कूल्स खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल एक समस्या पैदा कर सकता है। हाल ही में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी वैक्सीन को लेकर ये बात कही कि अगर वैक्सीन को लेकर ठोस रिसर्च नहीं किया जाता है और कोरोना का टीका बच्चों को दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये आपदा खड़ी कर सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब लगातार इस तरह की चेतावनी जताई जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है और इस समय ऐसे वक्त में स्कूल्स को खोला जा रहा है, तो कहां तक ये चीज सही नजर आ रही है। ऐसे में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर हरियाणा अभिभावक एकम मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा जी से और जानेंगे कि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में स्कूल्स खोलने की अनुमति दी गई है, कहां तक ये बच्चों के लिए ठीक है और कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को थर्ड वेव का जहां अंदेशा जताया जा रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना चाहते हैं। भले ही सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं। भले ही ट्रायल किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी टीके लगने शुरू ही नहीं हुए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर बिना रिसर्च के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाती है तो ये कहीं एक बड़ी आपदा भी बन सकती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो राजा हैं, हम मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है और उन्होंने कल ही 5 स्टेट में बात की है एक कोरोना की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए तीसरी लहर। अभी अभी आपने अभी हमने टीवी में देखा कि जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है वहाँ भी मिले हैं और अभी अभी हमें सूचना मिली है कि कई जगह और भी, आप विकसित देश है ब्रिटेन, वहाँ भी कल 50,000 मिले हैं। हम इस बात के विरोधी नहीं हैं कि स्कूल ना खुलें, लेकिन देखा यह गया है कि गत वर्ष भी जब स्कूल खोले थे तो उसके तुरंत बाद ही स्कूलों को बंद करना पड़ा। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि उन्होंने SOP लागू कर दिए स्कूलों के लिए, सभी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो संसाधन ही नहीं है। अगर इनका पालन प्राइवेट स्कूल तो कर लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो वैसी व्यवस्था नहीं है। फिर दूसरा, ये जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए घातक बताई गई है, 18 साल से ऊपर के लिए खोल दिया गया है, लेकिन 9 से 12 के बच्चे इसमें से बहुत कम 18 साल के होते हैं, लेकिन जितने हैं उनको लगनी चाहिए। जिस स्कूल में वो जा रहे हैं उनके सारे स्टाफ को कम से कम सेकंड डोज लगनी चाहिए। उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखा यह गया है कि एक बेंच पर एक बैठना चाहिए सारे संस्थान, उनका कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी उसका मानना नहीं कर रहा, तो घातक तो है, डरा रही है। इसी का नतीजा है कल 31% अभिभावकों ने भेजा। आज वो बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन पेरेंट्स हमको बता रहे हैं, मंच को, कि हमें अभी भी डर लगता है कि जब तक सभी को वैक्सीन न लग जाए और ये तीसरी लहर की आशंका खत्म न हो जाए, हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। देखिए, 18 से प्लस का जो निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उनको भी विशेषज्ञों ने राय दी है, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, 18 से नीचे के लिए जो ट्रायल चल रहा है उसको उन्होंने ये कहा है कि इस पर ज़बरदस्ती रिसर्च ना करें, जिस तरह ये पहले रिसर्च होती है पशुओं पर होती है, चूहों पर होती है, क्या बच्चों को भी आप नीचे जा कर के उनके ट्रायल कर रहे हैं? तो उन्होंने नीचे वाले के लिए कहा, हम भी मानते हैं कि वो ट्रायल करें तो इस हिसाब से करें जिसके स्वास्थ्य पर ना हो, लेकिन हम स्कूल प्रबंधकों से, आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करते हैं, स्कूल जो खोले हैं उनके SOP जो भी लागू की है उनके लिए कई चीज़ें बनाई हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को मुआयना करे कि वो एक बेंच पे एक ही बैठ रहे हैं। फिर भी हम निवेदन उनसे कर रहे हैं कि वैक्सीन का सबसे अच्छा केंद्र हो सकता है स्कूल, उसमें जितने भी 18 साल के बच्चे हो चुके हैं, जितने भी मिले उनको फर्स्ट डोज लगाई जाए, और स्कूल में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या कर्मचारी या अध्यापक हो, उनको सेकंड डोज लगे।
इन चीज़ों का वो करें। और हमारी मांग अभी भी है कि ये 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए, इसका ट्रायल देखें, और बाद में जो खोलने की बात है 8 से 10 या 1 प्राइमरी की, उसको बिल्कुल ना खोलें, इसके घातक परिणाम होंगे। इंडोनेशिया ने शुक्रवार को समाप्त पिछले 7 दिनों में 3.24 लाख मामले दर्ज किए, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 43% ज़्यादा है। जिस तरीके से ये मामले देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरी लहर पास आती हुई नजर आ रही है। वैश्विक स्तर पर पिछले एक सप्ताह में मामलों में 16% की बढ़ोतरी हुई, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि दुनिया पहले से ही महामारी की तीसरी लहर में हो सकता है। यूरोप के कई देशों के अलावा यह वायरस दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से फैल रहा है। इंडोनेशिया में 43% बढ़ोतरी के अलावा मलेशिया ने पिछले 7 दिनों में 45%, थाईलैंड में 38%, म्यांमार में 48% और वियतनाम में 130% की वृद्धि दर्ज की है।